हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। अभी इस वीडियो में हम 9 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करें यह सीखेंगे। यानी फैक्टर्स ऑफ 9। बच्चों, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है? किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना। 2, 3, 5, 7 एक से लेकर 10 तक के अभाज्य संख्या हैं। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। बच्चों, इसमें हम अपना सर्वप्रथम 2 का भाग चेक करेंगे। क्या यह 2 से विभाज्य है? क्या यह 2 से डिविजिबल है? तो देखिए, 2 का भाग गया 4 बार, कितना आ गया? 8। माइनस किया 1 आ गया। देखिए, सेंसफल आपका 1 आ गया, इसका मतलब यह 2 से विभाज्य नहीं है। तो हम 9 में 3 का चेक करते हैं। देखिए कितनी बार गया, 3 बार, कितना आ गया? 9। माइनस किया 0 आ गया। सेंसफल 0 आता है तो आपका क्या रहता है? संख्या विभाज्य रहता है। और यदि सेंसफल नॉट इक्वल टू 0 है तो वो आपका विभाज्य नहीं है। यानी 0 से कोई बड़ी संख्या आ गई, जैसे यहाँ 1 आ गया, तो ये आपका 9 2 से विभाज्य नहीं है। यहाँ 0 आया, इसका मतलब 9 आपका 3 से विभाज्य है। कितनी बार है? 3 बार। फिर 3 में 3 का भाग आपका 1 बार। ओके, तो 9 के हमारे पास गुणनखंड क्या आ गए? 3 गुणा 3।